दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एयरटेल फ्लैश मैसेज को कैसे बंद करना है। अब फ्लैश मैसेज मतलब जो पॉपअप मैसेज आते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, किसी का जो पॉपअप मैसेज आता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है ये सर्विस लीजिए तो 30 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा, इस तरीके की चीज़। एंड हम लोग नहीं समझते या कुछ बार क्या होता है, एक्सीडेंटली उस पर हाथ प्रेस हो जाता है तो एंड वहाँ से बैलेंस जो है हमारा कट जाता है, एंड जो काफ़ी बुरी बात है। तो हम लोग क्या करूँगा कि उस फ्लैश मैसेज को कैसे बंद करना है देखूँगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले मेनू पे जाना होगा एंड यहाँ जो एप्लीकेशन है आपका उसके अंदर आपको ढूंढना है सिम टूल किट। अब सिम टूल किट किसी ग्रुप जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी रह सकते या मेरा फ़ोन में जैसा यहाँ पर डायरेक्टली है ऐसा भी रह सकते। तो सिम टूल किट यहाँ पर जैसे कि मेरा नंबर 1 सिम है तो इसके अंदर जाता हूँ, मेरा एयरटेल सिम है, देन यहाँ पे एयरटेल नाउ पे क्लिक करता हूँ, देन स्टार्ट एंड स्टॉप, एंड यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ मैं, देन ओके, एंड यहाँ पे एक मैसेज सेंड होगा एंड देन इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, आपका एक कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे स्टार्ट भी इसको कर सकते हो। एंड हम लोग कन्फ्यूजन किस जगह पर हो जाते हो, स्टार्ट एंड स्टॉप लिखा हुआ होता है तो उसमें जाके काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है हम लोगों का एंड कन्फ्यूज हो जाते हो हम लोग। तो आई होप ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा है एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगे ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि उसको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।